लोगी मैं से कूद जाना। जाओ आप मम्मी, आप भी कूदो ना। नहीं मैं नहीं आ सकती राजा, जाओ प्लीज सुनो, उठो जाओ राजा, राजा जाओ। मैं भाभी को राजा कूदो, भाभी को बचाओ, भाभी को बचाओ। क्या तुम ऐसे छोड़ देता? मैं आसमा सात जीने मरने की कसमें खाई। आसमा हमें बस से कूदना होगा, तुम उठो यहाँ से, चलो पीछे चलो, मैं देखता हूँ। जब पंडित या पंडिताइन कोई बात कहते हैं, कोई भविष्यवाणी करते हैं, तो इंसान जरूर उस पर गौर फरमाता है। लेकिन अरमान और आसमा के लिए जब ये कहा गया कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ कुछ भी करने की प्लानिंग कर रही है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए था, जो कि आम जिंदगी में लोग हो जाते हैं। जब कहा जाता है तो उनका ध्यान होता ही है। हमें बस से कूदना होगा। तो अब ऐसे में इनकी बात को टालते हुए ये लोग जो शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अरमान और आसमा, शादी के लिए बस पूरी तैयार की गई है, बस में बॉम्ब फिट किया गया है, ये लोग बस में चढ़ते हैं और बम फट जाता है। तो यहाँ पर जो है एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि अरमान और आसमा की जिंदगी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये शो का क्या अंत होने वाला है? बहुत समय पहले खबर आई थी कि ये शो अफेयर होने वाला है, तो यहाँ पर इस शो को अफेयर किया जाएगा या फिर अभी अरमान और आसमा बच जाएंगे और यहाँ पर जो है आलिया को पकड़ा जाएगा, एक बार फिर से आतंकवादी लड़की को पकड़ा जाएगा, जैसे कि एकम की ड्यूटी लगी हुई है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन शायद हमें देखने को मिल जाए। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है, अरमान और आसमा की शादी के लिए जितने भी इनसे जुड़े लोग हैं, जो इनका भला चाहते हैं, वो बहुत खुश है। आलिया बहुत ज्यादा दुखी है, आलिया अपने प्लान को कामयाब करने में लगी है। लेट्स सी इसका प्लान कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्ब फट गया और अगर ये मर गए तो प्लान तो हो गया कामयाब, और लेकिन अगर ये लोग तब भी बच गए, फ्लॉप तो तब होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।